दुनिया भर के लोगों के मानवाधिकार सुरक्षित हैं, जिसका किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से 30 अनुच्छेदों में इसकी व्याख्या की गई है, मगर कोई भी व्यक्ति इन मानवाधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, जबकि सब लोग गरिमा और अधिकार के मामले में स्वतंत्र है। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मानवाधिकार संरक्षण संस्था हिमाचल प्रदेश की ओर से मानवाधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी 30 अनुच्छेदों का लीफलेट जारी किया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की गई, चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, सुरक्षित हो या स्वशासन रहित हो अथवा परमित प्रभुसत्ता वाला हो। उस देश या प्रदेश की राजनीतिक, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति कोई फर्क नहीं रखा जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण संस्था के उपाध्यक्ष होशियार सिंह ने बताया कि मानवाधिकारों के बारे में आम आदमी पूरी तरह से सजग व जागरूक नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की ओर से मानवाधिकारों की व्याख्या की गई है, जिसे संस्था की ओर से हिंदी में अनुवाद कर आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी, हिरासत में रखने या आजादी का अधिकार, अर्थात किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश निकाला नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार जब तक अदालत दोषी करार नहीं देती है, उस वक्त तक निर्दोष होने का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप लगाया हो तब तक निरअपराध माना जाएगा, जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में कानून के अनुसार अपराधी न घोषित कर दिया जाए जहां उसे अपनी सफाई पेश करने की आवश्यकता सुविधा प्राप्त हो। संस्था की अध्यक्ष न्यूगल्स न्यूटन ने बताया कि उनकी संस्था वर्ष 1948 में गठित हुई थी। उन्होंने बताया कि हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में संस्था का कार्यक्षेत्र है, जबकि विदेशों में भी यह संस्था सक्रिय है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संस्था की इकाइयों का गठन किया गया, जो आने वाले समय में लोगों के बीच जाकर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने का कार्य करेगी। इस अवसर पर संस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहेंगे।